परिवहन आयुक्त के बिना अनुमति के ही फर्जी बीमा, बिना फिटनेस के ही प्राइवेट कार को टैक्सी कोटे में किया पंजीयन। 11 साल पहले खत्म हो चुके मृतक को फर्जी बीमे में बनाया नॉमिनी। मुख्य सचिव से शिकायत के बाद 2 सदस्यीय टीम फर्जीवाड़े मामले की कर रही जांच। यूं तो आपने नकली पेपर के कारनामे खूब सुने होंगे, लेकिन बात परिवहन विभाग की जाए तो वैसे भी विभाग भ्रष्टाचार की जड़ें बेहद मजबूत है। परिवहन विभाग में तैनात भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों ने फर्जी बीमा व तमाम फर्जी दस्तावेज लगाकर एक प्राइवेट कार को टैक्सी कोटे में दर्ज कर दिया। फर्जीवाड़े के बाद शिकायतकर्ता डीएम से लेकर सीएम तक न्याय की गुहार लगा रहा है, पर विभागीय अधिकारी मामले को दबाकर बड़ा खेल कर रहे हैं। वहीं शिकायतकर्ता अवधेश ने जब मुख्य सचिव से लिखित शिकायत की तो आनन फानन में जाँच के लिए 2 सदस्यीय टीम बनाई, जिसमें एसडीएम न्यायिक शिवेंद्र वर्मा और जीएसटी कर अधिकारी श्याम सुंदर पाठक को जांच सौंपी गई। पर जांच के नाम पर विभागीय अधिकारियों ने एक दूसरे अधिकारियों को बचाने के लिए बड़ा खेल कर दिया, जिसके बाद हमारे संवाददाता विपिन शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एआरटीओ कार्यालय के इस फर्जीवाड़े से पर्दा उठाने जा रहे हैं। देखिए उनकी खास रिपोर्ट। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं, वो इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत नबाबी है। आदम गोडवी की लिखी ये पंक्ति परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार पर एकदम सटीक बैठती है। दरअसल उन्नाव के आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार की खेती करने वाले अधिकारियों ने एक नहीं बल्कि एक के बाद एक जमकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। आपको बता दें, मामला साल 2016 का है, जहां उन्नाव के रहने वाले अवधेश कुमार पुत्र राम अवतार ने तिरुपति मोटर से एक महिंद्रा की एसयूवी कार खरीदी थी। अवधेश ने कार में गड़बड़ी होने के कारण उसे फिर शोरूम को वापस कर दिया। शोरूम से आश्वासन मिला कि 3 महीने बाद गाड़ी बदल कर वापस दी जाएगी, लेकिन समय बीतता गया और गाड़ी नहीं मिली और ना ही ग्राहक को उसकी रकम। ऐसी दशा में अवधेश ने 26/8/2019 को शोरूम के ऑनर समेत 3 के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया। वहीं घटना के बाद आरटीओ को शिकायत पत्र देकर रजिस्ट्रेशन न करने का प्रार्थना पत्र भी दिया। परिवहन विभाग में तैनात भ्रष्टाचार की खेती करने वाले तत्कालीन एआरटीओ अनिल त्रिपाठी और पटेल बाबू मधुसूदन मिश्रा ने महिंद्रा कंपनी से मोटी रकम लेकर उन्हें बचाने के लिए फर्जी तरीके से गाड़ी को ग्राहक के बिना अनुमति के टैक्सी कोटा में दर्ज करवा दी। अब जरा ये भी समझा दें कि आखिर फर्जीवाड़ा क्या हुआ। दरअसल जब गाड़ी को टैक्सी कोटे में दर्ज किया जाता है तो पहले परिवहन आयुक्त से परमिशन ली जाती है और बीमा, फिटनेस, पेपर, ऑल यूपी परमिट भी लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरटीओ के कारनामे का खुलासा तब हुआ जब बकौल ग्राहक के फर्जी बीमा में नॉमिनी आनन फानन उसके मृतक पिता को बना दिया गया। उसकी मौत गाड़ी खरीदने से 11 साल पहले ही हो चुकी थी। वहीं पुरानी गाड़ी में प्रदूषण भी 3 साल पहले का बना था। वहीं वादी का सवाल है कि जब 2019 में शोरूम का व्यापारिक प्रमाण पत्र का समय खत्म हो गया तो फिर आखिर 2020 में गाड़ी को प्राइवेट कोटे में कैसे दर्ज कर दिया गया। हालांकि उन्नाव की परिवहन कार्यालय में तैनात तत्कालीन आरटीओ अनिल त्रिपाठी के बाद में आदित्य त्रिपाठी की पोस्टिंग हुई और मामला गंभीर होता दिखा। आदित्य त्रिपाठी ने भी नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जांचों को दबाने का खेल शुरू कर दिया, क्योंकि तत्कालीन आरटीओ अनिल त्रिपाठी आदित्य त्रिपाठी चाचा भतीजे हैं। वहीं पाटिल बाबू मधुसूदन मिश्रा भ्रष्टाचार कर कानपुर ट्रांसफर हो गया और अनिल त्रिपाठी के रिटायरमेंट के बाद आरटीओ आदित्य त्रिपाठी का भी रिटायरमेंट हो गया। वही आरटीओ के अतिरिक्त सीट पर जैसे ही प्रवर्तन अधिकारी अरविंद कुमार ने संभाली तो उन्होंने भी मुख्य सचिव की जांच को दबाकर खेल शुरू कर दिया। यानी कह सकते हैं कि अधिकारी एक दूसरे को बचाने के लिए पीड़ित शिकायतकर्ता अवधेश को 8 सालों से लगातार डीएम से लेकर सीएम तक विभाग के चक्कर काटते काटते पैरों में छाले तक पड़ गए। बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो क्या भ्रष्टाचार की खेती करने वाले अधिकारी योगी सरकार को खुलेआम गुमराह कर दफ्तर में बड़े फर्जीवाड़े कार्यों को अंजाम दे रहे हैं? आखिर फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों पर कब एफआईआर दर्ज होगी, ये बड़ा सवाल है। उन्नाव में एआरटीओ भले ही रिटायरमेंट हो चुके हों लेकिन उनके भ्रष्टाचार की जो
किताब है वो पूरी तरीके से दफ्तर में अभी भी मौजूद है। तमाम जो भ्रष्टाचार हैं उन्होंने एक के बाद एक भ्रष्टाचार किए और तमाम वो भ्रष्टाचार की जो किताब हैं वो दफ्तर में मौजूद है। हमारे साथ शिकायतकर्ता मौजूद है, सीधे तौर पर बात करेंगे। किस तरह की शिकायतें हैं अधिकारियों से? अधिकारियों से कहते हैं कि 30/11/2016 को मैंने एक सीवी एक गाड़ी खरीदी हुई थी और जो जिसका जो है 22/5/2017 को जो है गाड़ी में डिफेक्टिव कमी होने के कारण मैंने कंपनी को वापस कर दिया था। उसके बाद से जो है हमने फिर 26/8/2019 को एक 420/504/506 की एजेंसी पर FIR दर्ज करवाई थी। उसके बाद मैंने 26/12/2019 को RTO ऑफिस आ करके मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरी गाड़ी का फर्जीवाड़ा के साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन न किया जाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 20/3/2020 को 3 साल पुरानी गाड़ी को 20/3/2020 को प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी कोटे में किया रजिस्ट्रेशन किया बगैर अनुमति से। न परिवहन अनुमति थी, न ही जो है प्रदूषण था, न ही ऑल इंडिया परमिट था, सब इसी तरह फर्जीवाड़ा करके गाड़ी के मेरे नाम जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया। UP 35/80/57/18 के रूप में जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया। भ्रष्टाचार की जड़ें हैं दफ्तर में बहुत मजबूत हैं। कौन कौन अधिकारी शामिल हैं इस अधिकारी में? जो है इसमें ARTO अनिल त्रिपाठी जी हैं और आदित्य त्रिपाठी जी हैं, मसूदन मिश्रा पटल बाबू हैं। इन्हीं की सबकी मिली भगत से ये जो है पूरी कार्रवाई जो है फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कार्य का किया गया हुआ। आपने मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख सचिव तक न्याय की गुहार लगाई है। प्रमुख सचिव ने एक आदेश जारी किया है, जांच कमेटी गठित की है, किस तरह की जांच कमेटी? जांच कमेटी जो है मुख्य सचिव महोदय ने जांच कमेटी जिलाधिकारी उन्नाव को निर्देशित किया था कि 2 सदस्यीय टीम गठित किया जाए। तो इसमें न्यायिक SDM सदर उन्नाव जो है उनको नियुक्त किया गया है और GST कर अधिकारी श्याम सुंदर पाठक जी को जो है इसमें नियुक्त किया गया है। इससे जाँच चल रही है जिसमें फाइल के उपरांत न RUP परमिट दिखा सके हैं, न ही प्रदूषण दिखा सके हैं, न ही जो फिटनेस का कोई कागज़ दिखा चुके हैं और न ही RUP परमिट का कोई कागज़ दिखा चुके हैं। तो अभी लगातार जांच चल रही है, जांच में क्या लगता है, किस तरह के अभी जो जांच आख्या बाकी है, कौन कौन सी जांच आख्या बाकी रहे, किसके किसके बयान अभी दर्ज होने हैं? नहीं, बयान सभी लोगों के लगभग दर्ज हो चुके हैं, आख्या रिपोर्ट जो है बननी है। लेकिन इसमें जो है प्रशासनिक दबाव बहुत ज़्यादा है, कोई विधायक बांदा से फ़ोन करता है, कोई भी जो है जिलाधिकारी के पास जितने दबाव बनवा रहे हैं, इसी सब अधिकारी जो है एक बचाव कार्य के लिए कोई TC जो है परिवहन आयुक्त से दबाव बनवा रहे हैं, कोई परिवहन मंत्री से दबाव बनवा रहे हैं। ये सब दबाव बनाने के लिए जो है सभी लोग लगे हुए हैं कि जांच को कैसे भी पेंडिंग किया जाए। ARTO प्रवर्तन अरविंद सिंह अब प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर चार्ज संभाल रहे हैं, क्या लगता है इनकी तरफ से भी कुछ गाल मिल किया गया है? नहीं, इनकी तरफ से कोई गाल मिल नहीं, इन्होंने इनसे फाइल तलब की गई थी, फाइल इन्होंने दिखाया था, जो अभिलेख नहीं थे, RUP परमिट नहीं था, फिटनेस नहीं था और जो है जो अन्य कागज़ प्रदूषण नहीं था वही कागज़ जो है बताया कि ये कागज़ इसमें नहीं हुए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अधिकारी के यहाँ से कई मामले आए हैं तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ गड़बड़? ट्रांसपोर्ट में जो है वहाँ से जो है 26/7/2022 को मैंने जाँच के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, वो जाँच का आदेश भी हो गया था। उसके बाद जो है TC महोदय ने जो उसको जो है लगातार उसको जांच को पेंडिंग रखने का काम किया है। 26/7/2022 के प्रार्थना पत्र को आज तक निस्तारण नहीं कर पाए हुए हैं और क्योंकि इनके रिश्तेदार होने के कारण उनका बचाव कार्य जो है कर रहे हैं। तो अब अगर कार्रवाई नहीं होती क्या मानते हैं मुख्यमंत्री के यहाँ तक? हाँ, कार्रवाई नहीं होगी तो हम प्रमुख सचिव से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, इसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिला तो हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे। देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि 6 साल बीत चुके हैं और उन्नाव का जो फर्जीवाड़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। अधिकारी हैं एक के बाद एक फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे, लेकिन राजधानी में बैठे जो बड़े अफसर वो पूरी तरीके से उनको हाईजेक कर रखे हैं और पूरी तरीके से उनको बढ़ावा दे रहे थे। हालांकि जो प्रकरण है वो संज्ञान में आया है, मीडिया के पास पहुंचा है, प्रमुख सचिव इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी किस तरह ARTO आदित्य त्रिपाठी और अनिल त्रिपाठी साथ ही जो भ्रष्टाचार में संलिप्त बाबू मधुसूदन मिश्रा इस पर किस तरह लगाम लगाई जाएगी और इन पर किस तरह अभी तक FIR दर्ज नहीं, आखिरकार कब तक FIR दर्ज होगी और कौन कौन अधिकारी जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, आखिर जो राजधानी के बड़े अफसर हैं इस पर किस तरह कार्रवाई करेंगे? वीडियो जर्नलिस्ट पुष्कर के साथ BP शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया, उन्नाव।